करीब 3.5 लाख हो गया है और उसमें 48% महिलाएं हैं और उसमें और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एम टेक MBBS वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं लेकिन यह क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर दिए क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते? ऐसे परिवार के लोग नहीं है जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका अपमान करना है। गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा MBA नहीं कर सकता, ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। सर, रेस्लिंग फेडरेशन वाले अभी भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट उन लोग का जारी है सर, और कांग्रेस ने बोला है कि अभी तक PM को अब तो बोलना चाहिए, कब तक अपने सांसद को सेव करेंगे? सही बात है, जब पास्को एक्ट लग गया है तो आदमी बाहर कैसे घूम रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है और देश की जनता के लिए कानून अलग है। अब बेमे दरिया के बिना तो कम्प्लीट होगा नहीं, थोड़ा आ जाने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।